हेलो डेवलपर, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला प्रोग्रेस बार बनाएंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। राइट साइड में देखिए, तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए हमारा जो वीट का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम प्रोग्रेस बार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और सोर्स के अंदर एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, कॉम्पोनेंट का मैं नाम रखता हूँ प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार डॉट जे एस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक RFCE लिखता हूँ, रिएक्ट फंक्शन कॉम्पोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, एंड इसके बाद सिंपल सी मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ इसके अंदर प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस मैंने डाल दिया। अब क्या करते हैं, हम ऐप वाली फाइल में जाते हैं, ऐप डॉट जे एस एक्स में जाएंगे और यहाँ पर जो ये फालतू का कोड है ये सारा मैं हटा दूँगा। ठीक है, सारा मैंने हटा दिया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, इसको मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमको ये स्टेट भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं हटा दूँगा और बाकी ये सब भी नीचे, जो जो नीचे सारी हर चीज़ें हटा देता हूँ, एकदम स्क्रैच से हम करेंगे। और यहाँ पर आके मैं हमारा जो प्रोग्रेस बार वाला जो कॉम्पोनेंट है उसको मैं इम्पोर्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने कर दिया, फाइल को सेव करूँगा तो आपको राइट साइड में प्रोग्रेस दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारे चलते हैं प्रोग्रेस बार वाले कॉम्पोनेंट में। तो यहाँ पर आके हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा कोपायलट चालू है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम हमारा जो कोड है हम खुद से लिखेंगे। मैं इसके अंदर दो डिव और बनाऊँगा और बाहर वाले डिव को मैं एक क्लास दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास देंगे हम प्रोग्रेस कंटेनर और इस वाले को क्लास देंगे हम प्रोग्रेस बार बैकग्राउंड। ठीक है, और इसके अंदर भी हम एक क्लास नेम दे देते हैं प्रोग्रेस बार फिल। ठीक है, और इस पर एंटर मारते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पर हमारा जो भी प्रोग्रेस रहेगा वो आएगा प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पर सपोज 100% है तो यहाँ पर हमारा नंबर आएगा कि कितना परसेंट हमारा प्रोग्रेस बार हुआ है। ठीक है, मैंने सेव किया, यहाँ पर 100 आ चुका है। अब हम बार को बनाएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम स्टाइल टैग को ओपन करेंगे स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के अंदर क्या होगा, हम पर्टिकुलर जो प्रोग्रेस बार है उसको एक विथ देंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज विथ दे देते हैं हम 80%। ओके, यहाँ पर मैं 80% इसको विथ दे देता हूँ, मैं फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पर काम हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे CSS फाइल में और वहाँ पर हम CSS लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे हमारे CSS के लिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस बार .css। ठीक है, और ये वाली जो CSS फाइल है उसको यहाँ पर हम इम्पोर्ट भी कर लेंगे, इम्पोर्ट प्रोग्रेस बार .css। ठीक है, एंड अब इस फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे, इसको बंद कर देता हूँ साइड से। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस बार है ये वाला प्रोग्रेस कंटेनर, ठीक है, इसके ऊपर CSS लिखेंगे, यहाँ पर आएंगे और डॉट लगा के करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले विथ रखेंगे हम 320 pixel, उसके बाद मार्जिन देंगे इसको 40 pixel एंड ऑटो। ठीक है, पैडिंग आ जाएगी इसकी 16 pixel की एंड इसको हम बॉर्डर देंगे 1 pixel सॉलिड हैशटैग D1D5DB। ठीक है, ये हमने इसको एक बॉर्डर दे दी एंड बॉर्डर का रेडियस भी देंगे हम, बॉर्डर रेडियस कितना दे इसको 8 pixel दे देते हैं। ठीक है, एंड टेक्स अलाइन हो जाएगा हमारा सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको बॉर्डर दिख रहा रहेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो हमारी index.css है इसका सारा कोड मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको बॉर्डर दिख रही रहेगी। ठीक है, ब्लैक कलर की बॉर्डर आ चुकी है। अभी हम ये वाला जो प्रोग्रेस बार बैकग्राउंड है इसके ऊपर CSS लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डॉट प्रोग्रेस बार बैकग्राउंड, तो यहाँ पर इसको विथ देंगे 100% की सबसे पहले। ठीक है, एंड उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको हैशटैग E5E7E6। ओके, एंड इसके बाद इसको हाइट देते हैं 16 pixel एंड उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम, बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको 8 pixel। ठीक है, एंड इसके बाद ओवरफ्लो कर देते हैं हम हिडन। ठीक है,
और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस बार बन के आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस बार आ चुका है, अब इसको हमको फिल करना है, ठीक है। तो फिल करने के लिए हमारा कौन सा डिव है, ये वाला प्रोग्रेस बार फिल, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आएंगे हम और डॉट प्रोग्रेस बार फिल। इसके अंदर हम CSS लिखते हैं, सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे हम, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हैशटैग 3B82F6, ठीक है। ये हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। एंड इसके बाद हम इसको हाइट देंगे 100% की, ठीक है। एंड उसके बाद विड्थ हम इसकी इनिशियली 0 रखेंगे, क्योंकि हम डायनामिकली जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसको रन करेंगे, तो इनिशियली जो विड्थ रहेगी वो 0 रहेगी, ठीक है। इतना इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो बन के रेडी हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इसके बॉडी के अंदर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं, क्योंकि वाइट वर्ड दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। हम चलेंगे हमारे app.jsx में और यहाँ से हम एक प्रोग्रेस बार को एक प्रॉप्स सेंड करेंगे, ठीक है। प्रॉप्स का नाम रखता हूँ मैं प्रोग्रेस, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ इसको सपोज 80% देता हूँ, ठीक है। मैंने 80% दिया, फिर हम प्रोग्रेस बार के अंदर आएंगे और यहाँ पर प्रॉप्स को रिसीव करेंगे। तो मैंने क्या भेजा था, प्रोग्रेस भेजा था, तो प्रोग्रेस मैं यहाँ पर रिसीव कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने प्रोग्रेस यहाँ पर रिसीव कर लिया। अभी जो प्रोग्रेस है यहाँ पर कितना है, मैंने कितना भेजा, 80 भेजा है, ठीक है। तो मुझे 80 ही यहाँ पर दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर जो भी मेरा प्रॉप्स का नाम है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। अब जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिए 80 आपको मिल रहा है। अब ये जो प्रोग्रेस वाला नंबर है वो हम app.jsx से भेजेंगे और यहाँ पर डायनामिकली हम रेंडर करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने 80 भेजा, तो ये जो बार है वो इतना फिल है। अगर मैं यहाँ से 10 भेजूँ, यहाँ पर इससे मैं 10 भेजूँ, तो यहाँ पर तो 10 हो गया, बट ये जो बार वाला जो कलर है ब्लू वाला वो चेंज नहीं हुआ, वो अब हमको चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये जो विड्थ है ना, यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड 80 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैकटिक्स लगाएंगे और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्रेस वाला जो हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं वो डाल देंगे, ठीक है। प्रोग्रेस मैंने यहाँ पर भी डाल दिया और यहाँ पर परसेंट डाल दिया। अब मैं जब सेव करूँगा तो यहाँ पर 10 हो चुका है। फिर से अगर मैं ऐप के अंदर जाके परसेंटेज चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ से 30% भेजता हूँ, फाइल सेव करता हूँ, तो यहाँ पर 30 हो रहा है, यानी कि नंबर भी चेंज हो रहा है और जो बार का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें एक ट्विस्ट है, जब मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर एनिमेशन आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको प्रोग्रेस बार में आना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो विड्थ है इसको हम एज अ वेरिएबल के थ्रू पास करेंगे हमारे CSS वाली फाइल में, और CSS वाली फाइल में हम एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको नहीं समझा, मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो विड्थ है इसको मटा देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस माइनस प्रोग्रेस वैल्यू। तो मैंने इस स्टाइल के अंदर एक प्रोग्रेस वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इस तरह से आप समझिए, ठीक है। तो मैंने एक प्रोग्रेस वैल्यू करके एक वेरिएबल बनाया है जो कि मैं CSS के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने प्रोग्रेस वैल्यू बनाया और उसको प्रॉपर्टी क्या दे दी, जो हमारा प्रॉप्स आ रहा है app.jsx के अंदर, वो यानी कि एक विड्थ दे दी इस पर्टिकुलर वेरिएबल को। तो ये जो प्रोग्रेस वैल्यू है वो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और मैं चलूँगा मेरी CSS वाली फाइल में। CSS वाली फाइल में आके ये जो प्रोग्रेस बार फिल है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक एनिमेट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन लगाने के बाद यहाँ पर हम एक एनिमेशन का नाम देंगे, आपके ऊपर है, कुछ भी दे सकते हो। मैं देता हूँ लोड प्रोग्रेस, ठीक है। ये मैंने मेरे एक एनिमेशन का नाम दिया है, तो मैंने यहाँ पर 2 सेकेंड लगा दिया और वो कहाँ पर चलना चाहिए, वो फॉरवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड, राइट, फॉरवर्ड्स होना चाहिए। अब ये एनिमेशन हम बनाएंगे, तो एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं, हम @ की फ्रेम्स डालूंगा मैं, ठीक है। फिर जो भी हमारा एनिमेशन का नाम है वो, जैसे कि मैंने क्या दिया है, लोड प्रोग्रेस मेरा एनिमेशन का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 प्रॉपर्टी ऐड करनी रहती है, फ्रॉम से टू, यानी कि कहाँ से आपको कहाँ तक एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम और यहाँ पर हम मैं लिखूँगा टू, 2 लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब हमारा फ्रॉम रहेगा तो हमारी जो विड्थ रहेगी इनिशियल वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। एंड जब 2 होगा तो 2 होने पे हमारी विड्थ क्या होना चाहिए, जो हम प्रॉप्स के थ्रू पास कर रहे हैं app.jsx के अंदर, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं ना प्रोग्रेस 30, जैसे 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, वो हमारी लास्ट वाली विड्थ है, यानी कि 2 के अंदर ये वाली विड्थ आएगी। ये वाली विड्थ कैसे आएगी, यहाँ पर मैंने क्या बना है, एक
वेरिएबल बनाया था जिसको मैंने जो भी प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है एप डॉट जेएसएस के थ्रू जो विथ आ रही है वो मैंने प्रोग्रेस वैल्यू के अंदर डाल दिए। ये जो प्रोग्रेस वैल्यू वाला वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं विथ लिखूँगा, विथ लिखने के बाद आपको यहाँ पर वायर लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन करनी है और जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। तो मेरा वेरिएबल का नाम क्या था, प्रोग्रेस वैल्यू, ठीक है। इस प्रोग्रेस वैल्यू के अंदर मेरी वो विथ है जो मैं प्रॉप्स के थ्रू पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने 30% पास किया था। अब मैं यहाँ से 75 पास करता हूँ, जैसे मैंने 75 पास किया और सेव किया तो देखिए 75 तक पहुँच गया। अब मैं जब इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए किस तरह से वो एनिमेट होते हुए आया। वापस से मैं रिलोड करके बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए किस तरह से एनिमेट होते आ रहा है 75 तक, राइट। तो ये था छोटा सा मशीन राउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है या कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है।